हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था, उग्रवादियों ने अटैक करा था, जिसमें कुछ जवान हमारे शहीद भी हुए थे, कुछ घायल हो गए थे। तो आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है कश्मीर से पंजाब तक हड़कंप, बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तान का आतंकी। मतलब बीएसएफ जो फोर्स है उसने एक उग्रवादी को पकड़ा है। तो हम उस वीडियो को देखते हैं और बहुत खुशी की बात है कि चलो कुछ तो पकड़ा, कोई तो पकड़ में आया। और ऐसे ही मतलब एक एक सीढ़ी हम चढ़ के उस बंदे तक जा सकते हैं जिसने अटैक करवाया था। तो हम ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। आतंकियों को लेकर कश्मीर से पंजाब तक हड़कंप मचा है। बड़े पैमाने पर भारतीय सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। भारतीय सेना से लेकर रिजर्व फोर्स तक हर कोई अपने अपने स्तर पर आतंकियों को मिटाने में लगा है। और इन्हीं कोशिशों के बीच हाथ लग गई है एक बड़ी सफलता। हाथ लग गया है पाकिस्तानी आतंकी, हाथ लग गया है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन। और अब इसके पास से मिलेंगी वो सारी खुफिया जानकारी जिसके बल पर आतंकियों का सफाया किया जाएगा। देश के बॉर्डर इलाकों में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान इस समय घुसपैठ और तस्करी को अंजाम दे रहा है। अब खबर है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने सीमा पार कर आए पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकी जिंदा पकड़ा गया है। सुरक्षा एजेंसियां हमेशा अलर्ट पर थीं और इस बीच एक खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकी की मौजूदगी का पता चला और बीएसएफ एक्शन में लग गई। बीएसएफ ने कारनामा तब किया जब उसने 2 किलो हीरोइन बरामद की थी। बरामद की गई हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इस घटना के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर थीं। इस बीच अनूपगढ़ एसपी रमेश मौर्य ने बताया कि अनूपगढ़ जिले की रावला पुलिस ने 15 जुलाई को एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया था। ये तस्कर भारत पाकिस्तान सीमा इलाके में पाकिस्तान द्वारा भेजी जाने वाली हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए आया था, लेकिन इससे पहले कि वो डिलीवरी लेता वो पकड़ा गया। इसके बाद बीएसएफ और पुलिस इस इलाके में लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही थी। बड़े पैमाने पर घुसपैठियों की धरपकड़ जारी है। बता दें, पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कर भारत में घुसा ये पाकिस्तानी आतंकी तस्करी करने के लिए ही भारत आया था। उसके पास से 500 रुपए का पाकिस्तानी नोट और पाकिस्तानी आईडी भी बरामद हुई। यानी उसका आइडेंटिफिकेशन पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हो चुका है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। और इसके आधार पर अब बड़े पैमाने पर पंजाब पुलिस और बीएसएफ मिलकर कार्रवाई में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। अब कैसे बैठा हुआ है? तो जी, आप लोगों ने न्यूज़ देख ही लिए कि एक आदमी वो हीरोइन लेने के लिए आया था, 2 किलो हीरोइन, मतलब 2 करोड़ जिसका प्राइस है। और उसके पास से हमें कैसे पता लगा कि वो पाकिस्तान का, क्योंकि उसके पास आईडी मिली है और 500 रुपये का नोट मिला है जो वहाँ पाकिस्तानी करेंसी है। तो मतलब वो पंजाब आया था पाकिस्तान से, और उसकी मूवमेंट्स कुछ ऐसी थी जिससे अंदाज़ा लग जाता है ना कि भाई हाँ, ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ख़राब है ना, कुछ तो वो छुपा रहा है। आँखों से ही बहुत कुछ पता लग जाता है। तो इसी तरीके से वहाँ पर पता लगा गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया या उसकी चेकिंग करी होगी। तो मतलब यार, कैसे लोग हैं यार, मतलब बहुत बुरा हाल हो चुका है। और मैं तो देख यार, मतलब क्या मतलब है ना, इन लोगों को ना उसी टाइम शूट ही कर देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान से अगर कोई ऐसा बंदा ऐसे दिखता है उसको उसी टाइम शूट कर देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है कि हमें मतलब उसको गिरफ्तार करें या उसको कुछ भी करें, नहीं, उसको अरेस्ट करो। पक्का सबूत है वो पाकिस्तान को, उसको उससे टाइम मार दो। ये यही डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमारे शहीदों के साथ किया ना, वो भूलने वाली चीज़ें नहीं है यार। कितने बदतमीज़ हैं ये उग्रवादी। पाकिस्तान उसको पनाह दे रहा है और हमारे सामने फिर क्या नाटक कर रहा है कि हमें यहाँ पर आने दे चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, इंडिया को वहाँ पर जाने दे। क्यों जाने दे भाई, तुम्हारा है कोई भरोसा? मेरे को तो, मेरा तो बस यही मानना है कि उग्रवादी कोई भी दिखता है या कोई भी पाकिस्तान का बंदा दिखता है, चाहे वो शरीफ हो चाहे ना हो, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर, और उसको मार ही देना चाहिए, तभी इंसाफ होगा। मैं तो यही मानती हूँ भाई। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय।